Now let us know the uses of some and any. Some, जैसा कि आप देख सकते हो, some का प्रयोग केवल affirmative sentence में होता है. It is used only in affirmative sentence. Some का meaning क्या होता है? Some का meaning होता है थोड़ा, कम मात्रा में. Example, I have some milk. मेरे पास थोड़ा दूध है. तो सम का मतलब कम मात्रा में होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है थोड़ा. और ये अनकाउंटेबल नाउंस के साथ लगता है. नाउ माय अंकल हैज सम मनी, मेरे चाचा के पास थोड़े पैसे हैं. नाउ लेट अस सी द यूज ऑफ एनी. इट इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस. सो माइंड इट, एनी का प्रयोग हम लोग या तो प्रश्नवाचक वाक्य में करते हैं या फिर नकारात्मक वाक्य में करते हैं. सो सी सम एग्जांपल्स. डू यू हैव एनी वाटर, क्या आपके पास पानी है. दूसरा, आई डू नॉट हैव एनी मनी. तो निगेटिव में मैंने क्या लगाया, एनी. इंट्रोगेटिव में मैंने क्या लगाया, एनी. सो इस तरह से आपने सम और एनी को जाना. डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. बी केयरफुल एंड ट्राई टू सॉल्व देम करेक्टली.